नमस्कार साथियों, आप हैं मेरे साथ सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हर रोज की तरह हम हिंदी की क्लास चला रहे हैं, और आज जो हमारी हिंदी की क्लास है, जो हमने कल पढ़ाया था, उसका हमें रिविजन करना। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, हमारी हेडिंग ये दे धनाधन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसके थ्रू? रिविजन के थ्रू। क्योंकि किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं, अगर उसके बारे में हमें प्रैक्टिस नहीं होती, तो उसे करना उतना आसान नहीं होता। कई बार हम सुनते हैं कि हमने हिंदी को कई बार पढ़ लिया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि अगर आपने हमारे साथ रिवीजन के साथ, प्रैक्टिस के साथ हिंदी को पढ़ा, तो निश्चित रूप से 50 में से 50 ही क्वेश्चन आप एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में बना के आओगे। ये मेरी गारंटी है। लास्ट तक आप मेरे साथ बस हिंदी की क्लास में जुड़े रहिए। मैं गारंटी दिला रहा हूँ, आपके 100% हिंदी में किसी भी एग्जाम में नंबर आएंगे। ठीक है ना? नहीं आए तो आप मुझसे करना, मेरे कमेंट में लिखकर बताना कि सर नहीं आए, फंसेंगे यहीं से। तो आज जो कल की हमने क्लास संधि पढ़ाई थी, उसकी कुछ प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है ना? उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि देखो, जो शब्द होता है वो शब्द क्या होता है। शब्द होता है दोस्तों, जो वर्ड होते हैं उनका मेल, या मैं कह सकता हूँ कि जो बहुत सारे अक्षर होते हैं या वर्ड होते हैं, उनको मिलाने पर शब्द बनता है। शब्दों को मिलाने पर क्या बनता है? वो वाक्य बनता है। ठीक है ना? तो ये नहीं जाना हमें, लेकिन हमें ये देखना है शब्द कितने तरीके से बन सकते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक यहाँ जो मुख्य टॉपिक है वो है संधि। तो शब्द को हम चार तरीके से देख सकते हैं, कि शब्द को हम चार तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि संधि है, क्या आप संधि के माध्यम से शब्द बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं संधि के माध्यम से। ठीक है ना? हम संधि के माध्यम से शब्द कैसे बनाएंगे? तो हमने बताया था दो वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं, दो वर्णों के निकटवर्ती जो वर्ण होते हैं उनके मेल को। ठीक है ना? तो देखो, जैसे आपने विधालय देख रहे हो, तो देखो विधा को और आलय को जब आपने जोड़ा तो क्या बन गया? विद्यालय बन गया। विद्यालय क्या है? एक शब्द है। यही मैं अगर संधि की बात करूं तो आ प्लस आ, तो कैपिटल आ बन जाता है, क्योंकि यहाँ धा में ये आ है और धा में आ में ये आ है। यही बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो विधा में जो धा लिखा हुआ है, देखो कुछ इस तरीके से, ये दा है और इसके बाद में ये या है, तो ये तो या हो गया और ये दा हो गया। तो इसमें दो व्यंजन है, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो ये कौन सी संधि होगी? संयुक्त व्यंजन। लेकिन मैं यहाँ ये पढ़ाना चाह रहा हूँ कि संधि के माध्यम से आप शब्द का निर्माण कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ द्वारा, तो देखो यहाँ पे दा है, दा आधा है और वा पूरा है। इसे द्वारा जब लिखते हैं तो देखो ऐसे लिखते हैं, दा और ये वा, तो ये वा तो पूरा होता है और दा जो होता है वो ये वाला होता है। इसीलिए द्वारा को हम देखो आधा दा जो हलंत होता है, मैंने कल बताई थी, वो आधा होता है, और वारा वा पूरा होता है। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, दोनों का उच्चारण जो होगा वो सेम होगा। तो इससे जो द्वारा है वो भी क्या होता है? संधि से। इसमें भी संयुक्त व्यंजन है, आप ध्यान रखना। ठीक है ना? इसमें भी वा भी है और दा भी है, तो इसे भी संयुक्त व्यंजन संधि कहेंगे। तो हम यहाँ ये बताना चाह रहे थे कि संधि के माध्यम से आप शब्द का निर्माण कर सकते हो। वैसे ही जैसे आपने प्रति प्लस वर्ष सुना होगा, उन दोनों को मिलाने पर शब्द बनता है दोस्तों प्रतिवर्ष। तो प्रतिवर्ष में प्रति क्या है? उपसर्ग है। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि उपसर्ग के माध्यम से भी हम शब्द का निर्माण, भाई प्रतिवर्ष शब्द किससे बना? उपसर्ग से बना। ठीक है ना? वही अत्याचार, तो अति क्या है इसमें? उपसर्ग है, तभी अत्याचार बन गया, अति प्लस आचार। तो उपसर्ग के माध्यम से भी क्या बन सकता है? शब्द बन सकता है। वही मैं प्रत्यय की बात करूं तो देखो सुनार प्लस इन, इन क्या है इसमें? प्रत्यय है। जो पहले लिखा होता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद में लिखा होता है उसे प्रत्यय कहते हैं, ध्यान रखना। तो इससे सुनारिन शब्द बन गया। तो आप शब्द का निर्माण प्रत्यय के माध्यम से भी कर सकते हो, और जब दो शब्दों को आपस में आप मिला दोगे, उससे नए शब्द का जो निर्माण होगा उसे समास कहते हैं। शब्दों को आपस में मिलाने पर समास बनता है, ध्यान रखना। वर्णों को आपस में मिलाने पर संधि बनती है। पहला जो शब्द होता है उसे उपसर्ग कहते हैं, लास्ट का शब्द जो होता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और दो शब्द आपस में मिलते हैं उसे समास कहते हैं। तो इन चारों ही तरीके से शब्द का आप क्या कर सकते हो? निर्माण कर सकते हो। लेकिन आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं संधि की प्रैक्टिस। तो हमने संधि में स्वर संधि, तीन बात बताई थी कि संधि तीन होती है, एक स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है, और एक विसर्ग संधि होती है, जहां मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अतः इसे पहचानने की कोशिश की। तो ये स्वर है, ये व्यंजन है, और ये विसर्ग है। तो भाई ये वर्ड ही तो हैं, स्वर भी वर्ड है, व्यंजन भी वर्ड है, विसर्ग भी वर्ग है। तो इन वर्णों से ही तो मिलने से संधि बनती है। तो संधि भी तीन प्रकार की होगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये जो दो इस तरीके से बिंदु होते हैं ये विसर्ग कहलाते हैं। तो इसमें मैं स्वर संधि को आपको पढ़ाने वाला हूँ, और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो मैंने पांच बताए थे, पांच भेद होते हैं, दीर्घ, यड़,
गुण, वृद्धि और अयादि, ये हमने कल भी उंगलियों पर रट लेना कभी आता है तो देखो इन्हीं संधियों के माध्यम से हम क्लियर कर पाएंगे। प्रत्यय जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, उपसर्ग मैंने अभी आपको समझाया था, वर्तनी मतलब शुद्ध शब्द कौन सा है ये मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था, वर्णमाला जब वर्ण की पता चल गई आपको कल तो उनके समूह को वर्णमाला कहते हैं, शुद्ध वाक्य मीन्स जिसमें जिसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ होता है उसे शुद्ध वाक्य कहते हैं। तो ये सब चीजें किससे निकल के आ रही हैं, ये दोस्तों निकल के आ रही हैं दीर्घ संधि से। तो स्वर क्या होता है, जिसका उच्चारण करने के लिए किसी की हमें सहायता लेनी नहीं पड़ती, मींस ये स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं उसे स्वर कहते हैं, ये मैंने कल भी आपको बताया था। आज हम बस आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, संधि की परिभाषा आप जानते ही हो, जहां जिसका शाब्दिक अर्थ मेल से, योग से और सुलह समझौता से होता है उसे संधि कहते हैं, और दो निकटवर्ती वर्णों के बीच का जो मेल होता है, निकटवर्ती वर्ण का मतलब समझ रहे हो, जैसे देव प्लस आले में, तो ये निकटवर्ती हो गया, वा, वा में कौन सा स्वर है आ, और इस आ में कौन सा स्वर है आ, तो इन दोनों को मिलाने पर आ बनता है, इसी को संधि कहते हैं। तो निकटवर्ती वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इसके कार्य है, भाई दो शब्द आपस में मिलेंगे नए शब्द का निर्माण बनेगा, दो शब्द आपस में मिलकर के छोटा शब्द बनाएंगे, दो शब्द पहले वाले जो मतलब समाज में जो चल रहे होते हैं शब्द बड़े बड़े उनको ही आपस में मिला करके जो छोटा शब्द बनाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो इसका मतलब क्या, समाज में का जो पुराना अर्थ था किसी शब्द का वही नया शब्द बनने के बाद आएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद डायरेक्ट हम प्रैक्टिस पर ज्यादा बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको स्वर संधि में दीर्घ संधि के बारे में, ये मैंने कल भी पढ़ाया था, आज मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस करानी है। तो दीर्घ में मैंने बताया था, दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। तो स्वर में आप सब जानते हैं ये सब स्वर हैं, क्या हैं ये सब स्वर हैं, 11 स्वर होते हैं, आप ये सब जानते ही हो, ठीक है ना। वर्णमाला के 11, संस्कृत के 13 और अंग्रेजी के 5 स्वर, ये मैंने इससे अगली क्लास में बताया था। तो देखो आ और आ को मिला के बड़ा आ, ये बड़ी ई, बड़ा ऊ और ये दीर्घ स्वर होते हैं, याद रखना। बस अंतर क्या, दीर्घ स्वर में और छोटे स्वर में, छोटा स्वर मान लो एक सेकंड में बोला जा रहा है तो दीर्घ स्वर जो है दूना टाइम लेगा बोलने में, अ एक सेकंड, आ दो सेकंड टाइम ले गया, और दो सेकंड से भी ज्यादा टाइम लेने वाले ए और ओ हैं, ध्यान रखना इनको वृद्धि स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, वृद्धि स्वर कहते हैं। और ये जो आपस में आप देख रहे हो ना, ये सजातीय वर्ण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सजातीय। फिर विजातीय वर्ण क्या होते हैं, देखो आ प्लस आ है तो सजातीय, अगर आ के साथ ई आ गया तो ये क्या है, विजाती होगा, ई के साथ अगर ऊ आ गया तो विजाती होगा, ई और ई है तो सजाती है, ऊ और ऊ है तो, भले ही ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ क्यों ना बन जाए ये भी सजाती होगा, लेकिन छोटा ऊ के साथ ई आ गई तो ये विजाती होगा, आप ध्यान रखना। तो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कार्यालय, तो कार्यालय के कुछ ऑप्शन आपके सामने है, जैसे कार्य प्लस ले, आपको बताना जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, प्रैक्टिस सेट में आपको आंसर बताना है। तो देखो कार्य प्लस ले, का प्लस रयाले या कार्य प्लस आले, तो इनमें ऐसे देखो ले का इसका कार्य का कोई अर्थ नहीं आ रहा, इसका भी कोई अर्थ नहीं आ रहा, का भी कोई अर्थ नहीं है, लेकिन कार्य मीन्स जानते हो आप वर्क, आले मीन्स होता है घर, तो कार्य का घर जो होता है उसी को हम बोलते हैं कार्यालय, जहां काम काज होता है, और ये सजातीय वर्ड भी मिले हुए हैं इसमें, इसीलिए संधि क्या हो जाएगी, दीर्घ, क्योंकि इससे बड़ा शब्द निकल के आ रहा है, दीर्घ स्वर निकल, ये कोई स्वर जब मिलता मिल करके बनता है तो उस संधि को हम दीर्घ संधि कहते हैं। और कार्यालय को अगर हम ऐसे लिखते हैं कार्य प्लस आले, कार्य आलय लिखते हैं तब ये समास हो जाएगा, लेकिन जब आप यहां कार्य का आ आपने निकाल लिया, ठीक है ना, छोटा आ निकाल लिया और आलय का बड़ा आ निकाल लिया, तो इन दोनों से आपने क्या बना दिया, बड़ा आ, तो आप बस यहां कार्य में बड़ा आ ऐड कर दो और ले लिख दो, ये बन गया संधि, और आप कार्य में आलय ही लिखोगे तो ये समास हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे आपने वर्णों का मेल नहीं किया, शब्दों का मेल किया है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। अब देखो कुछ ये प्रैक्टिस आप देख रहे होंगे प्रैक्टिस, तो गुरु उपदेश, गुरु को तोड़ दो आप, गुरु प्लस उपदेश, तो यहाँ छोटा ऊ, देखो ये जो होता है ये छोटा ऊ होता है और ये जो होता है ये बड़ा ऊ होता है, तो देखो पहले वाले में छोटा ऊ प्लस उपदेश, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ बनता है, लेकिन गुरु उपदेश में क्या लिखा हुआ है, छोटा, इसका मतलब क्या है, ये गलत हो जाएगा, भाई बड़ा होना चाहिए ना, यहां आप छोटा लिख के चल रहे हो लेकिन निकल के क्या आ रहा है, बड़ा। तो गुरु उपदेश में कभी भी ये वाला नहीं बनेगा, कौन सा वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, तो ये बिल्कुल ठीक होगा, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। और गुरु उपदेश में आप कभी भी अगर ये इस तरीके से लिखा होता है ना, देखो केवल ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा, अगर गुरु उपदेश में ये घुंडी वाला लिखा होता है ये सही होगा, आप पहचान लेना है। ऐसे ही दुरुपयोग और दुरुपयोग, तो देखो एक दुरुपयोग और एक जो छोटा वाला ऊ है, तो अगर मैं यहाँ दुरु प्लस उपयोग लिखूं तो देखो ये क्या हो जाएगा, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, लेकिन यहां आपने क्या लिख रखा है, ये तो बड़ा ऊ लिख रखा है और यहां आपने छोटा ऊ लिख रखा है,
तो देखो रा प्लस उपयोग बराबर ये बड़ा हो जाएगा, तो देखो बड़ा वाला सही होना चाहिए, ये वाला सही होना चाहिए, पहला वाला ध्यान रखना, यहाँ ये गलत हो गया, ये कौन सा वाला सही होना चाहिए, ये वाला दुरुपयोग में, ठीक है ना। अब देखो अनुदित या अनुदित, तो अनुदित को देखते हैं हम, तो अनु प्लस उदित, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ होगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है दोस्तों, यहाँ छोटा ऊ लिख रहा है, इसका मतलब अनुदित ये वाला गलत होगा और बड़ा ऊ वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऊ प्लस ऊ क्या निकल के आएगा संधि में, बड़ा ऊ आएगा, क्यों कि आप जब इसे लिखोगे तो देखो अनु प्लस उदित यही तो है, तो देखो अनु में अनु आपने लिख लिया और ये बड़ा ऊ भी लिख लिया, तो यहां पे अनु बनना चाहिए ना, ये बड़ा हुआ आ रहा है निकल के, ये आ तो अनु बनना चाहिए, ठीक है। वैसे ही आप पितृण में देखिए तो पितृ प्लस ऋण, तो ऋणा प्लस ऋणा मिलाकर ये बड़ा बनना चाहिए, देखो इसमें बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए यण संधि के बारे में, ठीक है ना। यण संधि इसमें अंतस्थ वर्ण होते हैं, कौन से अंतस्थ वर्ण, अब आप कहोगे अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं, तो अंतस्थ वर्ण होते हैं यर लव, मींस ऐसे वर्ण जो अंदर से ऑक्सीजन देते हैं, फेफड़े के माध्यम से बाहर ऑक्सीजन आती है, य य आ रही है, ल व यर लव सब में ऑक्सीजन बाहर आ रही है, इसीलिए इनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं, ठीक है। बस इसमें आपको क्या चाहिए, ये शब्दों के बीच में बीचों बीच में होने चाहिए और इनसे ठीक पहले कोई आधा शब्द होना चाहिए, जैसे अत्याचार में आधा शब्द है और यह भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भाई यण संधि हो जाएगी, इसे अति प्लस आचार लिख सकते हो, ई प्लस आ बार आ करके देखो इसका मतलब क्या आ गया, वैसे इसे इया कहते हैं, तो इया या मीन्स या आ रहा है, भले ही या इस फॉरम में आ जाए या इस फॉरम में आ जाए या इस फॉरम में आ जाए या इसमें आ जाए किसी में भी आ जाए, आना चाहिए या, तो इसमें आ रहा है, ऐसे इत्यादि तो देखो इसमें भी त्या आ रहा है, प्रत्येक में प्रति प्लस एक ई प्लस ए ये, तो ये आ तो आ रहा है लेकिन ये आ रहा है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देखिए तो यहां आप प्रत्यक्ष, तो प्रति मीन्स प्रति प्लस अच्छ दोनों में, इसमें ई, ती मीन्स छोटी ई और आ मीन्स छोटा आ, इनको मिलाकर के बनता है या। वैसे ही अध्यक्ष, तो देखो अधि प्लस अच्छ, अधि में लास्ट में अंतिम जो वर्ड है वो ई है और अच्छ में पहला वर्ड जो है वो आ है, तो निकटवर्ती वर्डों के बीच में, तो ये या, तो इसमें भी या हो गया, ये भी सही है। अन्वेंषण में अनु प्लस एसड़ याद रखना, अनु मीन्स ऊ, इसमें बर्ड जो होगा वो छोटा ऊ होगा और इसमें ए होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो यारा ला में से कोई भी बनना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही प्रत्युत्तर में क्या लिखोगे, तो प्रति और उत्तर, प्रति में छोटी ई और उत्तर में छोटा ऊ मिल करके यू बन गया। वैसे ही अन्वय, इसमें अनु और अय और मतलब भी होना चाहिए, अनु मीन्स होता है पीछे, ध्यान रखना, ठीक है ना, और अय, तो ये उ और आ बन गया और ये वा बनता है, वा यर ला वा निकल के आना चाहिए, इसीलिए अन्वय हो गया। वैसे ही स्वागत, तो सु प्लस आगत, उ प्लस आ मीन्स सु मीन्स छोटा उ, आ मीन्स बड़ा उ, तो ये क्या बन गया, वा बन गया। और स्व कहाँ से निकल के आया, सु शब्द, तो देखो आधा सा में उ बस ऐड कर दिया, तो ये सु बना दिया, इतना ध्यान रखना आप, ठीक है ना। मात्राज्ञा में, तो मात्र प्लस आज्ञा, तो ये देखो त्रा आ गया छोटा वाला और आ गया, तो दोनों को मिला के क्या बनता है, रा, त्रा त्रा त्रा, तो यार ला में रा आ गया। ऐसे ही पित्राज्ञा में, तो पितृ प्लस आ गया, तो देखो इसमें भी रा आ गया। पित्रादेश, देखो पितृ और आदेश, इसका भी रड़ा आ रहा है इसमें, और ये देखो रड़ छोटी वाली आ रही है और ये बड़ा वाला आ, तो ये भी रा बन गया। वही अध्यादेश, तो देखो अधि और आदेश, अधि में छोटी ई, आदेश में बड़ा आ और या बना दिया। मेरा कहने का मतलब ये सब एग्जाम में पूछी हुई है, ध्यान रखना, इसीलिए मैं आपको करा रहा हूं। क्लास को आप रोक करके भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो, जब प्रैक्टिस आपको करनी होगी, ठीक है ना। आपसे प्रैक्टिस सेट ऐसे लगेंगे, छूटेगा ही नहीं कोई क्वेश्चन, ध्यान रखना इस चीज को। अब देखो कुछ क्वेश्चन है, जैसे अत्याचार में उपसर्ग है कौन सा है, आ, अति या अत या अत, तो अत्याचार को मैंने लिखवाया था अति प्लस आचार, क्या लिखवाया था, तो इसमें उपसर्ग होता है पहला वर्ड, तो इसमें आंसर कौन सा होगा, सेकंड। वैसे ही प्रत्येक में उपसर्ग है, तो मैंने इसे लिखवाया था प्रति प्लस एक, उपसर्ग कौन सा होता है, पहला होता है, तो प्रति यहां कहां है, इसका आंसर सी होगा। वैसे ही बच्चों अध्यक्ष में पूछ रहा उपसर्ग कौन सा होगा, तो अधि और अच्छ, इसका लिखवाया था मैंने अधि प्लस अच्छ, क्या लिखवाया था, अधि प्लस अच्छ, तो अधि इसमें क्या है, उपसर्ग है, तो इसका आंसर बी होगा। वैसे ही स्वागत में उपसर्ग होगा, तो स्वागत का हमने लिखवाया था सु प्लस आगत,
तो इसका क्या होगा, सु, तो इसमें सु कहीं है, तो देखो उसमें इसमें सु ऑप्शन देखो ये रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपसे क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं गुड़ संधि के बारे में। तो गुड़ संधि का मतलब होता है कि यहाँ विजातीय वर्णों का मेल होता है। सजातीय मीन्स एक जैसे, विजातीय मीन्स अलग। जैसे छोटा आ है तो इसमें छोटी ए ऐड कर दो, ये विजातीय वर्ण है। छोटी ई है तो इसमें छोटा आ ऐड कर दो, ये विजातीय है। जब ये आ प्लस आ होंगे या ई प्लस ई होंगे तब ये सजातीय वर्ण होंगे। तो गुड़ संधि में अनिवार्य रहेगा क्या होना चाहिए, विजातीय वर्ण होना चाहिए, और शब्दों के बीचों बीच में एक मात्रा होनी चाहिए, और दो वर्णों के मेल से क्या चीज बननी चाहिए, छोटी ए और छोटा ओ, और अर बनना चाहिए। ये तीन चीजें बननी चाहिए दो वर्णों के मेल से, या तो छोटी ए निकल के आए उस संधि में, या उसमें ओ निकल के आए छोटा, या अर आए। ये जब आते हैं तो निश्चित रूप से वो संधि कौन सी होगी, गुड़ संधि होगी। प्रैक्टिस करते हैं, जैसे रमेश, रमा प्लस ईस, रमा होती है पार्वती, ईस मीन्स स्वामी, तो पार्वती के स्वामी कौन है, शिव। दोनों का अर्थ भी निकल के आ रहा है, और देखो इसमें आ है, ये रमा में वर्ड कौन सा है, आ, और बड़ी ई पहला वर्ड ई, तो आई आ ए, छोटा ए निकल के आ रहा है। वही मैंने कही थी, दो वर्ड के मेल पर यदि ए आता है या छोटा ओ आता है या अर आता है तो निश्चित रूप से वो कौन सी संधि होगी, गुड़ संधि होगी। तो ये आपको करनी है, महेश, गणेश, नरेश, ज्ञानेश, इसे मैं चेक करूंगा, ध्यान रखना, पूछूंगा कल जो है किसी से भी कमेंट में, ये ध्यान रखना। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है, जैसे रविंद्र, ठीक है ना, तो ये रविंद्र, ये तो स्वर संधि के हो गए, ध्यान रखना। ये जो मैंने अभी स्वर संधि के एग्जाम्पल थे, ये सब स्वर संधि के एग्जाम्पल है। देखो सब में क्या आ रहा है, स्वर आ रहे हैं, स्वरों के मेल से बनने वाली संधि को क्या कहते हैं, स्वर संधि। तो ये जो हमने पहला बताया था उसके सभी एग्जाम्पल हैं, आप ध्यान रखना, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, तो देखो अपेक्षा, तो इसमें देखो अप प्लस इच्छा, तो आ भी छोटा आ रहा है और बड़ी ई आ रही है, तो आई आए, तो इसमें ए आ गया, कौन सी संधि होगी दोस्तों, गुड़ संधि होगी। गुड़ी तो पढ़ा रहे हैं अभी इतनी देर से, देखो ये गुड़ संधि के बारे में बता रहे हैं, या तो ए निकल के आनी चाहिए या ओ या अर आना चाहिए, तो यही हम आपको काफी देर से करा रहे हैं। उपेक्षा को कैसे लिखोगे, उप प्लस इच्छा, तो देखो यहां भी आ और बड़ी यही चीज आ रही है, ये भी गुड़ हो गया, ठीक है ना, क्योंकि दो ही शब्द आने चाहिए वर्णों के मिल दे, या तो छोटा ए या छोटा ओ, या ज्यादा करो तो किसी किसी में अर, ये शब्द आ जाए, ठीक है ना, जब रीढ़ी आता है उस समय। अंकेक्षण, तो अंकन प्लस ईक्षण, तो इसमें छोटा आ और बड़ी ई, तो क्या निकल के आएगा, छोटा ए, तो गुड़ संधि है। ये आपके लिए दोस्तों होमवर्क है, जीवेश और ज्ञानेश आपको बताना है इसमें कौन सी संधि है, क्या बताना, जीवेश और ज्ञानेश को। ऐसे ही परमेश्वर, तो परम प्लस ईश्वर, प्रेच्छा, तो प्र प्लस इच्छा, तो इसमें आ रहा है, इसमें बड़ी ई बन के छोटी ए बनेगा। ऐसे ही प्राणेश्वरी, तो प्राण प्लस ईश्वरी, तो यहां आ, इसमें बड़ी ई, तो ये भी क्या हो जाएगा। ऐसे ही आगे देखिए जल्दी जल्दी से। अब देखो दीर्घ संधि, कौन सी संधि, दीर्घ संधि। यहां सजातीय वर्णों का मेल होता है, किसका होता है, सजातीय वर्णों का, दो एक जैसे वर्ण होंगे वो दीर्घ संधि होगी। जैसे आप देख रहे होंगे ये सब क्या है, एक जैसे वर्ण है, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे दयानंद, दया प्लस आनंद, ठीक है ना, तो वैसे इस दीर्घ संधि को बाद में पढ़ेंगे, कुछ मैं आपको गुड़ संधि के ही एग्जाम्पल बता रहा हूं काफी देर से। तो देखो ये गुड़ संधि के सब एग्जाम्पल गुड़ संधि के हैं, नरेंद्र, सूर्योदय, महोत्सव, देव ऋषि, महर्षि, परमेश्वर, तो सब में आ प्लस ई निकल के आ रहा है। जैसे नरेंद्र लिखा तो नर प्लस इंद्र, छोटा आ और ई, अ ई, तो बड़ा छोटी ए निकल के आई। सूर्योदय में सूर्य और उदय, तो इसमें आ, इसमें उ, आउ मींस, आउ मींस छोटा ओ निकल के आ गया, तो जिसमें ए और ओ आता है दोस्तों निश्चित रूप से। तो ये सब आपको प्रैक्टिस करनी है। अर पे देखिए, जैसे महर्षि, महा प्लस ऋषि, बड़ा आ और ऋ, तो अर अर, तो क्या निकल के आ रहा, अर, तो तीन ही शब्द तो बताए थे, छोटा ए, छोटा ओ और अर, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद और प्रैक्टिस करिए, देखो ये आपका होमवर्क है, सत्येंद्र और जितेंद्र आपको करना है। महेंद्र में महा प्लस इंद्र, तो देखो बड़ा आ, हा में क्या आ रहा है, बड़ा आ और ई जे रही छोटी ई, ये लो, इसी को क्या बोलते हैं, आए, छोटी ए निकल के आ गई, गुड़ संधि होगी भाई साहब, ठीक है ना। यथेष्ट, तो यथा प्लस ईष्ट, तो देखो बड़ा आ और छोटी ई मिल करके क्या बनती है, छोटी ए, आए आए, ठीक है ना। ऐसे ही यथेच्छ, तो यथा प्लस इच्छा, तो यहाँ छोटा आ, बड़ा आ और यहाँ पे छोटी ई, बड़ी ए निकल के आ जाएगी। अलकेश, अलका प्लस ईस,
तो यहाँ बड़ा आर और बड़ी ई मिलकर के क्या बन जाएगी, छोटी, ये ध्यान रखना। ऋषिकेश, तो ऋषिका और ईश, इसमें क्या ऋषिका और ईश, तो यहाँ बड़ा आ रहा है, यहाँ बड़ी ई आ रही है, दोनों मिलाकर के क्या बन जाएंगे ई। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब गुड़संधि के एग्जाम्पल हैं। आप इस चीज को क्या रखोगे, याद रखोगे। छोटे से और हैं, जैसे अतिशयोक्ति सभी को करा दे रहा हूँ मैं आपको, बस ये प्रैक्टिस आपको करनी है, गारंटी दे रहा हूँ आपका कोई भी सवाल नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम में। तो देखो अतिशय, अतिशयोक्ति में अतिशय प्लस उक्ति, तो यहाँ देखो आ है, ये आम है छोटा और ये ऊ है, आऊ मीन्स क्या बन के आ गया, छोटा ओ, जहां छोटा ओ छोटी ए और अर निकल के आए, गुड़संधि होगी। अंत्योक्ति तो अन्य प्लस उक्ति, तो यहां भी आ, यहां ओ, क्या निकल के आ रहा है, ओ आ रहा है। तो ये सब यही होंगे। उत्तरोत्तर में उत्तर और उत्तर, तो उ प्लस उ, 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 तो ये भी क्या निकल के आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है, राम है, और यहाँ बड़ा छोटा ऊ आ रहा है, और दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, छोटा ओ बना रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। ऐसे ही अंत्योदय में अत्य प्लस उदय, छोटा आ और छोटा ऊ मिलकर के बनेगा छोटा ऊ। अरुणोदय में अरुण प्लस उदय, देखो सबका मतलब निकल के आ रहा है, ठीक है ना। सूर्योदय, महोत्सव, उदय, इन सब में वही चीजें निकल के आएगी। ये आपके लिए प्रैक्टिस है घर के लिए। सर्वोदय, अन्योदय और ग्रामोदय, ग्रामोत्थान, इसे आप याद रखना, ये आपके लिए क्या है, प्रैक्टिस है, ठीक है ना। उसके साथ ही कुछ और हैं, जैसे धर्मोपदेश, तो धर्म प्लस उपदेश, इसमें छोटा आ और छोटा ऊ मिलकर के क्या बनाएंगे, छोटा ऊ, तो होगी गुड़संधि। जलोधर आपको करनी है, और देखो अध्योपात, तो इसे लिखो आद्य, इसे उपात लिखिए, आद्य में छोटा आ और उपात, ये संयुक्त व्यंजन है, लेकिन संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है, ध्यान रखना, ठीक है। गंगोदक, गंगा प्लस उदक, यथोचित, यथा प्लस उचित, सब में देखो यहाँ बड़ा आ और यहाँ छोटा ओ मिलकर के क्या बना रहे हैं, छोटा ओ बना रहे हैं। ये आपको प्रैक्टिस करनी है होलिका उत्सव और महोपकर, ये क्या करनी है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी से आपको, अगर जितनी आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्जाम आपके क्या होगा, हाथ में होगा, इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है। तो देखो कुछ ये हैं, जैसे जलोर्मी, तो जल प्लस उर्मी, जल मीन्स आप जानती है, उर्मी मीन्स तालाब वगैरह, जैसे बहु भी होता है उसे जलोर्मी, तो सबका अर्थ भी निकल के आ रहा है यहाँ पे। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए क्या मिल गया, यहाँ पे प्रैक्टिस मिल गई, ये आपको निश्चित रूप से अपनी कॉपी पर बनाकर लिखनी है, और ये बार बार इसमें लॉजिकली देखना ही देखना है आपको, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, जय हिंद दोस्तों, शानदार क्लास के साथ।